एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनौली में स्थित झंडपुर गांव पड़ा। लगभग 1850 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। ग्रामवासियों ने वर्तमान में संजीव कुमार को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को वर्तमान प्रधान द्वारा अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 348 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 125 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 22 सोलर लाइटें व 37 स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 40 नल रिबोर कराए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 4 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, 3 सीसीटाइज रोड, तालाब, पानी की टंकी, उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत कार्य व पंचायत घर के बाउंड्री का भी निर्माण कराया है तथा वर्तमान प्रधान ने अपनी देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, पावर हाउस, कृषक सहकारी समिति, इंटर कॉलेज, बैंक, खेल का मैदान, पुस्तकालय, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम संजीव कुमार है, तहसील बड़ोच, जिला बागपत। और अब तक मैंने जो अपने इसमें गाँव में विकास कार्य कराए उसमें एक तो होगा 4 सीसी रोड होगी और जिसमें 3 इंटरलॉकिंग होगी और लगभग 100 शौचालय का निर्माण करा, 22 सोलर लाइट लगवाई थी और अब 37 स्ट्रीट लाइट जो पोल पर लगती है वे लगवाई और 5 रिबोर पंचायत निधि से कराए और इसमें लगभग 3-4 रिबोर मैंने अपने पास से भी लगवाए, लोगों की आवश्यकता को देखते हुए अपने पास से भी लगवाए। तालाब की खुदाई करवाई थी और उसकी खुदाई के कराने के बाद उसमें तार फेंसिंग का कार्य कराया और तत्कालीन डीएम बागपत भवान सिंह खंगारोत साहब ने इसका जो है उद्घाटन कराया था। उस टाइम हमारे डीएफओ थे, जिला सूचना अधिकारी थे, उनकी सबकी मौजूदगी में इसका ये निरीक्षण भी किया गया था भाई ये काम हो गया नहीं हो गया। इसमें पंचायत घर की जो हालत थी, 2002 में पंचायत घर बना था और बिल्कुल खंडर में ही तब्दील हो गया था वो। अब उसका हमने इसमें पंचायत अपनी ग्राम पंचायत से उसकी बाउंड्री वॉल कराई, उसमें खिड़की और गेट जाली बाउंड्री के अंदर गड़ौंचा मतलब उसकी मतलब टोटल के मतलब एकदम नया लुक उसको दिया और इसमें एक 300 फीट गहरा जो मतलब भूमिहीन और मतलब बहुत ही वंचित शोषित दलित और मतलब जो मतलब समाज से बिल्कुल कटे हुए लोग थे, जो मतलब बहुत ही गरीबी सी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनके लिए एक 300 फीट गहरा वो करवाया रिबोर और उन्हें उसके शुद्ध पानी मुहैया करवाया कर, मतलब तुम तो लगभग वे 100 घर है आसपास में, 95 100 घर उनमें उसकी सप्लाई दी। अब उनका कम से कम पीने का शुद्ध पानी मिला उन्हें और इसमें जो है इन सब के अलावा स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी हालत बहुत ख़राब थी, उस पर भी अंदर जो है चार दीवारी से नीचे से फर्श टूट रहा था, वो सारा मतलब कहने का ये वो भी सारा हमने बिल्कुल एकदम उसको भी अच्छा सा किया। और इसमें जो है बाकी जो काम थे, कई बार इन फोगिंग का भी कार्य कराया, मच्छरों की दवा भी छिड़कवाई अपने स्तर से भी प्रयास कराया और गांव की तो सफाई कई बार अपने पास से कराई, गवर्नमेंट्स ने भी कराई, हमने भी कई बार कराई। इसके अलावा ये तो खैर चलते रहे तो कोई बात नहीं, बाकी इसके अलावा जो हमारे गाँव की जो मूलभूत आवश्यकता है गांव की भी, सबसे पहले तो गांव की और उसके बाद क्षेत्र की,
इसमें सबसे मेन चीज आ रही कि हमारे गांव में लगभग 1.5 वर्ष पहले टंकी का वो था, प्रस्ताव पास हो गया था। अब एक तो शासन ने उसका पैसा नहीं भेजा हमारे पास। इंडा नदी के किनारे गांव बसा है, इस खराब पानी आवे उसमें बहुत बिल्कुल पॉइजन आवे, मान के चलो पानी को तो छोड़ दो आप, तो उसमें उस पानी पीने से लोग बाग मतलब चरम रोग के भी शिकार हो रहे, कुछ कैंसर के भी शिकार हो गए, कुछ दंतु की भी परेशानी से शिकार हो गए, और यहाँ तक कि मतलब अपंगता भी इस पानी से आएगी। और डॉक्टर साहब ये कह दे ऐसा नहीं है, खैर वे चीज को भुगतने रहे हम भुगत रहे, तो हम तो ये चाह रहे कि अगर आप इस बात को हमारी पहुंचा सको तो इस समस्या को सबसे प्राथमिकता के आधार पर यूपी सरकार या भारत सरकार तक दोनों जगह तक पहुँचाने का आप प्रयास करें। इसके अलावा क्षेत्र की तो जो है ट्रांसपोर्ट की बहुत बुरी स्थिति है। इसके अलावा गांव में जो चारा बरात करनी है, लगभग 70-75% आबादी बिल्कुल भूमिहीन और गरीब मजदूरों की है, उनकी ऐसा भी नहीं कि उनकी लड़कियों की जो बारात आवे उनको बारात को ठहरने की कहीं व्यवस्था भी नहीं है, सब इधर उधर किसी के घर में घेर में ऐसे ही हो रहा। एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, जहाँ से 7-8 किलोमीटर जो है स्वास्थ्य केंद्र है तो सही उपचार भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा स्टेडियम की है और ख़ासतौर से लड़कियों की शिक्षा की जो है बहुत बड़ी किल्लत यहाँ है, कोई भी लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई 10-12 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल यहाँ नहीं है। और इसके साथ साथ जैसे लाइब्रेरी का अगर निर्माण हो जाए उससे मतलब अच्छी अच्छी उसमें किताबें आ जा, लोग बाग पढ़ेंगी मतलब अच्छा उनको महसूस होगा, बढ़िया बात भी सीखेंगे, गलत कामों से उनका ध्यान भी हटेगा और अच्छी बात उन्हें सीखने को भी मिलेगी। शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, हमारे मोमडन भाई इनकी भैया उसकी चार दीवारी हो जा, और उसमें एक रास्ता नहीं है, उस रास्ते को अगर गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जा सके ये भी एक बहुत प्राथमिकता का काम है। अगर वे अपने मतलब अपने जनाजे को ले जाने के लिए उनके उसमें भी वो भी नहीं है, अगर ये हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम हो जाए। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी बेचारी अपना बड़ी परेशान है अपना केंद्र ना होने की वजह से भी। पावर हाउस अगर हो जाए तो इसका भी मतलब कई गाँवों को बिल्कुल सीधा सीधा लाभ होगा। बैंक है, बैंक के लिए भी लोग बाग बड़े दुर्गम रास्ते से हो गए जा, कई बार छिन्ना झपटी मारपीट भी हो जा, अगर एक बड़ी ब्रांच ना हो गए कि छोटा सा भी बैंक अगर हो जा लोग बाग कम से कम एक ये भी अपनी समस्या का इसका समाधान हो जा, तालाब का सौंदर्यकरण वगैरह हो जा। और बस ये है कि जितना अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कर सके या हम